योर आंसर शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जामिनर, इट शुड बी टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट दिस इज वॉट आई अंडरस्टैंड एंड द एग्जामिनर्स थिंकिंग एंड योर थिंकिंग शुड मैच विथ ईच अदर. ठीक, यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट, समझना इसको, व्हेन यू टॉक अबाउट अ केस, सो देयर इज अ फैक्ट इन इशू और देयर मे बी सेवरल फैक्ट्स इन इशू, देन देयर विल बी सर्टेन फैक्ट्स विच यू कॉल सरकमस्टांशियल एविडेंसेस. ठीक, तो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, फैक्ट वन, फैक्ट टू, फैक्ट थ्री, फैक्ट फोर. ठीक है, और हर फैक्ट को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव एवरी फैक्ट, यू विल गिव सम एविडेंस और एविडेंसेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टू प्रूव दिस फैक्ट ऑल्सो यू विल गिव एविडेंस, टू प्रूव दिस ऑल्सो यू विल गिव एविडेंस, टू प्रूव दिस ऑल्सो यू विल गिव एविडेंस. अब फॉर एग्जाम्पल, वेदर एक्स किल्ड वाई, सपोज इट इज अ केस, मर्डर केस, तो वेदर एक्स किल्ड वाई एंड द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय शूटिंग. ठीक, द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय शूटिंग. क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, दोनों देखो, दोनों दोस्त बात कर रही है, इधर इधर ध्यान दो, बोथ ऑफ देम गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, बचपन से यहाँ बने. कॉलेज कौन सा कॉलेज? हाँ, डी यू. तो दोस्ती यहाँ के बाहर, यहाँ पे कल से दोनों को अलग अलग बिठाऊंगा मैं. एनीवे, मजाक कर रहा था, ध्यान दो इधर. सपोज एक्स किल्स वाई, दैट इज द क्वेश्चन, एक्स किल्स वाई, दैट इज द क्वेश्चन, एंड द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय शूटिंग. ठीक, दैट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, एक फैक्ट इन इशू. और भी फैक्ट इन इशू होंगे ना, वेदर ही हैड द इंटेंशन टू काउज डेथ एंड ऑल, सो आई एम टेकिंग वन फैक्ट इन इशू. अब किलिंग के लिए देर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट द प्रोसिक्यूशन हैज. वन फैक्ट इज दैट द पिस्टल फ्रॉम विच द बुलेट वॉज शॉट वॉज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एक्स. When X was arrested, the pistol from which X, the bullet was shot, was found in possession of X. ठीक. दूसरा fact, X had made a confession, extrajudicial confession, extrajudicial. किसी को भी, किसी ए को उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन दिया था, ओरल कन्फेशन. ये भी एक फैक्ट है प्रोसिक्यूशन के पास. कन्फेशन में कहा था कि मैंने मारा है. फैक्ट नंबर थ्री इज वाई का एक डाइंग डिक्लेरेशन है, विच इज इन अ रिटन फॉर्म एंड रिकॉर्डेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फॉर्मली रिकॉर्डेड इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म बाय अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो तू गया, अगर इतना कुछ है तो एक्स तो गया नहीं. कन्फेशन भी है, डाइंग डिक्लेरेशन भी है, पिस्टल भी है, और पिस्टल पे मान लो एक और फैक्ट लिखते हैं, पिस्टल पे फिंगरप्रिंट भी मिल गया है. और ये चार फैक्ट्स हैं आपके पास, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन फैक्ट इन इश्यू. देखो, एविडेंस क्लासेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यू सी दैट लाइक आई विल बी डिस्कसिंग केस लॉज एंड ऑल, तो ये कहानियाँ उसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं, एविडेंस एक्ट को. और इन्हीं कहानियों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, हाउ टू लुक एट अ पर्टिकुलर फैक्ट, हाउ टू लुक एट अ पर्टिकुलर एविडेंस, हाउ टू, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच रिलेट्स टू द जुडिशियल माइंड. क्योंकि देखो, वेदर द एविडेंस इज रिलायबल और नॉट, वेदर द फैक्ट इज रिलायबल और नॉट, द एविडेंस एक्ट इज टोटली साइलेंट अबाउट दैट. वेदर द एविडेंस इज एडमिसेबल और नॉट, वेदर द फैक्ट इज एडमिसेबल और नॉट, एविडेंस एक्ट टेल्स यू इन द वेरियस प्रोविजन्स. बट वेदर यू शुड रिलाय अपॉन दैट एविडेंस, whether you should rely upon those facts to
to convict or acquit. Now that is something where the Evidence Act leaves your support. क्योंकि that is a matter of judicial mind. ठीक, जैसे ही आप reliability वाले सवाल पे जाते हो ना, उसमें Evidence Act में कोई भी section नहीं मिलेगा आपको. It leaves and जाएगा. और जब final decision देते हो, appraisal में गलती करते हो, appraisal means what? Facts जितने हैं उनको मिलाकर आपका decision conviction का होना चाहिए था, आपने acquittal कर दिया. So that is where your judicial mind is applicable. A particular fact was proved by some evidence and actually that evidence was not sufficient to prove that fact and you as a judicial officer, you believed that it is true, it is proved. So you admitted that fact to be proved whereas it was actually not proved. So these are some mistakes and that is where your judicial mind works. So वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. So you have got this case, the fact in issue, one fact in issue in the case is whether X killed Y. One fact in issue in the case is whether X killed Y by shooting. Death postmortem report says that the death has been caused by shooting. And forensic report says, ballistic report, that this is the pistol from which the bullet was shot. जो बुलेट उसके शरीर में पाया गया है वो बुलेट और जो पिस्टल है पिस्टल के पिन के साथ दूसरा बुलेट फायर किया गया और उस पिन की जो गहराई बुलेट के पीछे पड़ती है कि कितना गहरा उसने हिट किया और किस पॉइंट पे हिट किया वो और जो बुलेट मिला है उसके बॉडी में उसमें मैच करके देखा गया पाया गया कि ये वही उसी पिस्टल का बुलेट है. ठीक, तो ये सब है आपके पास एविडेंसेस. ये भी अगर मैं लिख दूँ, ये भी लिख देता हूँ फैक्ट नंबर फाइव, दैट बुलेट शॉट फ्रॉम सेम पिस्टल. और एक और एविडेंस बना देता हूँ मैं, इसका भी एविडेंस होगा ना, एक और बना देता हूँ फैक्ट. क्या बनाऊँ, फैक्ट नंबर सिक्स, एक एफआईआर लॉज्ड है बाय हु इज द अक्यूज्ड, एक्स, नो, बाय एक्स दैट हिज पिस्टल हैज बीन स्टोलन. ये एफआईआर लॉज हुआ था बिफोर द इंसिडेंट. ठीक है, द एफ आई आर वॉज लॉज्ड बिफोर द इंसिडेंस. ठीक, और बनाऊं कहानी, और बनाऊं, ये सब देखो, ये सब मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सब जो बना रहा हूं ये थॉट से बना रहा हूं, स्पॉन्टेनियस. देन एफ सेवन, फैक्ट नंबर सेवन, fact number 7 is that at the time of the incidents there is a fact that the accused X was in a cinema hall, sorry cinema law likh diya maine, cinema hall. theek hai, jis samay ghatna hui us samay to movie dekh raha tha main. ठीक है, याद करो के एम नानावती अगर कभी पढ़ा हो तो यही तो कोशिश की थी उसने कि आई एम गोइंग टू द मूवी हॉल एंड आई विल कम बैक एंड सो ऑन सो फॉर्थ. एनीवेज, ये भी एविडेंस से प्रूव होगा. अब समझिएगा इसको, यू सी द फैक्ट इन इश्यू दैट यू हैव टू प्रूव इज वेदर एक्स किल्ड वाई. देयर कैन बी अदर फैक्ट्स इन इश्यू ऑल्सो, देयर हैज टू हैव टू बी वेदर एक्स हैड द इंट, बिकॉज इट इज अ मर्डर केस. So whether X had the intention to kill Y. ठीक है, whether X had the intention to kill Y. So that is a murder case. So intention भी होगा, intention to cause such bodily injury as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, all that will be there. Is that fine?
the fact in issue, one of them that I have picked up in this diagram, this example is X killed Y. Fine. But the other fact in issue also, will be there that whether X had the intention to cause the death or whether X had the intention to cause such bodily injury as is sufficient in the ordinary course of nature to cause the death, and so on and so forth. So the various clauses of section 300, and in fact before that the various clauses of corresponding clauses of section 299, so they all will be the facts in issue. If this accused takes the defense of private defense or unsoundness, etc., so they will also become the facts in issue. So what I have drawn here is that in order to prove this one fact, whether X killed Y and the killing has been done by shooting, in order to prove that one fact, we have got certain other facts. You can say these are some circumstantial evidences, or you can say these are some relevant facts. One fact that I have written here is that the pistol from which the bullet was shot was found in the possession of X. Fine. Then the pistol, last wala fact dekho. Fact number 7 bhi hai kya? Theek hai. Fact number 5 dekho aap. That the bullet was shot from the same pistol, it has been proved. So I told you it will be proved by ballistic expert's opinion. Then fact number 2 dekhi aap. There is a confession which is an extrajudicial confession made by X to some A, oral confession. Fact number 3 dekhiye, there is a dying declaration of Y which he made to say some B. Dying declaration usne kisi B ko kiya marne ke pehle, in which he has declared that it is, and that is I say okay, I have written that it was made before the executive magistrate, so let B be the executive magistrate. So there is a dying declaration which is in a question answer and recorded formed a form signed by Y. Victim ne sign kiya hai, and that was made to the executive magistrate B. Fine. Obviously he was taken to the hospital and there the executive magistrate has recorded. Then you have another fact that the pistol which was found in the possession of X at the time of his arrest, the pistol had the fingerprints of X. ठीक, then bullet to shoot हुआ तो हो ही गया. अब there are certain evidences which are in favour of X. Fact number 6 is that he had lodged an FIR say 2 days before the shooting incident that my pistol has been stolen. ठीक, who had lodged? X had lodged. And then fact number 7 also is in his support, that at the time when the crime was committed, he was watching a movie in a cinema hall. ठीक, अब देखो, ये तो हो गए facts. अब evidence act क्या कहता है? कि the judgment shall be based only upon relevant facts, and that too when those relevant facts have been duly proved. Evidence Act says, 165 ka proviso 1, Evidence Act says that judgment shall be based on relevant facts duly proved. So first examination that the court has to do is whether these facts are relevant or not. That is the first step. Whether these facts, because the prosecution will propose to prove these facts. Now when the prosecution proposes to prove these facts, obviously one by one, so the court has to examine whether these facts are relevant or not, and for that the court will examine whether these facts which are proposed to be proved fall within sections 6 till 55 of the Evidence Act or not. ठीक, तो सबसे पहला examination तो ये होगा कि भाई आपकी आप जिस evidence को produce करना चाह रहे हैं और उससे जो fact आप prove करना चाह रहे हैं वो fact आपका relevant fact है भी कि नहीं. Relevant fact नहीं होगा तो as per 136 read with section 5 and also read with exception proviso 1 of section 165, that evidence will not be admissible. Why? Because that is not on a relevant fact. So the first test is
whether the facts that you are proposing to prove are relevant or not. Now, since we have not discussed relevancy, etc. right now, so I'm not taking you into those complications. And let's presume that these are all relevant facts. Let's presume that these are all relevant facts. ठीक अब देखो क्योंकि अभी तो एविडेंस की दूसरी क्लास है शायद आपकी तीसरी थर्ड लेक्चर है तो अभी तो ये सब पढ़ा नहीं है ना आपने तो आप फिलहाल प्रज्यूम कर लिए कि ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं अब ये फैक्ट प्रूव करना है मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस ठीक तो एवरी फैक्ट हैज टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी हु इज प्रपोजिंग दैट फैक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द पार्टी हु हैज असर्टेड दैट फैक्ट सेक्शन 103 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज that the party who asserts a fact, he has the burden of proving it. Now here, since prosecution has asserted all these facts, the burden of proving all these facts would lie upon the prosecution. And how will the prosecution prove these facts? By evidences. By evidences. Bahut dhyan se suna, it is a very interesting discussion. So, first fact. Pistol was found in possession of F when he was arrested. How will you prove that? Anyone, please. Discovery statement तो इसको नहीं बोलोगे because discovery statement तो तब होता है जब when the accused takes you to the place, pinpoints and then gets the thing discovered. Whereas here I am saying that when he was arrested, it was found in his possession. Whenever the person is arrested, let me speak. Whenever the person is arrested, an arrest memo is prepared. Or saath mein a seizure memo is prepared. On which the police officer will also put his signature. Now that may not be. But the accused will put his signature. That mere paas se ye cheez baramad hui hai. And if possible, a witness will also put the signature. So that seizure memo is the documentary evidence of the fact that so and so pistol was recovered before discovered with the or found with the accused. So is fact ka evidence kya hoga fir? Seizure memo. Chaho to zarurat pade to jo accused jo witness wahan pe tha jisne seizure memo pe sign kiya hai agar aapne kisi witness ka signature liya hai to witness ko bulakar oral bayan bhi le sakte hain पुलिस ऑफिसर का ओरल बयान हो सकता है द अरेस्टिंग ऑफिसर हु हैड प्रिपेयर्ड द सीजर मेमो हिज ओरल टेस्टिमनी ऑल्सो कैन बी टेकन द कोर्ट कैन एग्जामिन हिम सो टू प्रूव द फैक्ट दैट द पिस्टल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हिम द सीजर मेमो विच इज अटैच विद द अरेस्ट मेमो प्लस द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस इन हुज प्रेजेंस इट वॉज फाउंड द पिस्टल एंड द टेस्टिमनी ऑफ द पुलिस ऑफिसर तो ये तीन एविडेंसेस हो गए ठीक अगर इंडिपेंडेंट कोई विटनेस है तो उसकी टेस्टिमनी सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ही विल बी द मोस्ट न्यूट्रल पर्सन तो हिज टेस्टिमनी विल बी रादर मोर इम्पॉर्टेंट सो दिस इज द एविडेंस ये जो सीजर मेमो वगैरह है दैट इज द एविडेंस गॉट माई पॉइंट सो हाउ विल यू प्रूव द फैक्ट दैट द पिस्टल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम हिम और फाउंड इन हिज पोजेशन बाय दीज एविडेंसेस ठीक तो फैक्ट इन इशू इज व्हाट एक्स किलिंग वाई बाय शूटिंग फैक्ट इज द पिस्टल फाउंड इन हिज पोजेशन ऑन अरेस्ट एंड एविडेंस ऑफ दैट फैक्ट इज द सीजर मेमो एंड द विटनेस एटसेट्रा आया समझ में ठीक है नेक्स्ट वाला क्या है एफ अब देखो जब हम कहते हैं ना एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ध्यान से सुनना एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात करते हैं तो जब ये प्रोसिक्यूशन प्रपोज करेगा कोर्ट में कि मुझे इस विटनेस को बुलाना है मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है सीजर मेमो प्रोड्यूस करना है मुझे ये विटनेस बुलाना है तो कोर्ट उससे पूछ सकती है वैसे तो नॉर्मली कन्वेंशनली कोर्ट को पता होता है कि भाई कौन सा रेलेवेंट फैक्ट है कौन सा रेलेवेंट नहीं है फिर भी अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन हो तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि व्हाट विल दिस विटनेस प्रूव Then the prosecution will tell it will prove the witness will prove that the pistol was found on him when he was arrested. So the court may ask the prosecution. Now here it is very manifest. So why should the court ask? But the discretion is there in 136. The court may ask the prosecution as to
How is that fact relevant in this case? Then the prosecution will explain to the court how that fact is relevant in the case. तो वो जो रेलिवेंसी के सेक्शंस हैं सेक्शन 6 से लेकर 55 उनमें से सेक्शंस विल बी सजेस्टेड दैट दिस फैक्ट फॉल्स अंडर सो एंड सो सेक्शन. ठीक, अभी उन सेक्शंस पे मैं नहीं जा रहा. उसके बाद ये एविडेंस प्रूव हुआ, विटनेस आया कोर्ट में, विटनेस विल बी वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस हुआ, विटनेस आया कोर्ट में, विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा. अब क्रिमिनल मैटर है तो ऑब्वियसली कोर्ट के सामने होगा, सिविल होता तो शायद वो शायद क्या इनफैक्ट एफिडेविट के थ्रू होता. तो क्रिमिनल है तो ही विल बी एग्जामिन इन चीफ इन द कोर्ट, क्रॉस एग्जामिन बाय द ऑपोजिट पार्टी, एंड देन इफ नीडेड प्रोसिक्यूशन विल डू द री एग्जामिनेशन, प्लस द कोर्ट ऑल्सो विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सेक्शन 165 एंड विल आस्क क्वेश्चंस टू द विटनेस इफ नीडेड. After having seen all that, the court has to make up its mind whether the witness has been able to sufficiently prove that fact, whether this witness is trustworthy. तो वहां पे उस witness के सारे जो examination, cross examination के rules हैं वो सारे लग जाएंगे. अब मान लो defense prove कर देता है कि ये witness, so this so, this person is you can say right now that the court believes that it is a false witness. ठीक, it is a false witness. ठीक है, मान लो defense ने prove कर दिया कि इस witness ने bribe लिया है, कुछ ऐसा prove कर दिया section 155 के अंदर, तो इस witness की credit impeach हो गई, he is not trustworthy and therefore the fact is not proved. So ये होता है reliability of the evidence. अब कोर्ट उस एविडेंस के बेसिस पर उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगी नहीं मानेगी, वो होगा रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. डिड यू गेट द पॉइंट? सो वेदर ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस दैट फैक्ट इज टू बी कंसिडर्ड टू बी प्रूव्ड और नॉट, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. उसके पहले वेदर द एविडेंस विल बी अलाउड और नॉट, दैट इज कॉल्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. हम एविडेंस इस फैक्ट पे अलाउ करेंगे कि नहीं, दैट इज एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. और एक बार एविडेंस हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस वगैरह सब हो गया, फिर कोर्ट क्या उस विटनेस के द्वारा उस तथ्य को पूर्णतया सिद्ध साबित मानेगी कि नहीं, दैट इज रिलाइव. इस बारे में देयर इज नो प्रोविजन इन द एविडेंस एक्ट. एडमिसिबिलिटी पे यू विल फाइंड प्रोविजंस, but on reliability you will not find provisions. Is that fine? Reliability is a matter of judicial mind of the court. Reliability ke liye how to examine etc you will find provisions, but ultimately after the entire examination, after the court using its powers of 165 also if needed, finally whether you will believe it to be the fact to be proved or not proved, that is a matter of judicial mind of the court. So that is what I mean by reliability of evidence. Reliability of fact पे बाद में आएंगे. और admissibility of evidence समझ में आया कि अगर ये fact relevant है तो आपका evidence admissible होगा, अन्यथा नहीं होगा. ठीक, then next देखो आप F2, fact number 2, there is a confession, extrajudicial confession made to A. सो बताइए इसको कैसे प्रूव करोगे आप, हाउ विल यू प्रूव इट, एंड दैट इज ऑन ओरल कन्फेशन. सो दैट एविडेंस विल बी द विटनेस ए, विटनेस ए विल बी कॉल्ड. अब अगेन द कोर्ट कैन आस्क यू व्हाई शुड वी अलाउ ए टू गिव द एविडेंस. सो द प्रोसिक्यूशन विल से दैट द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड विच इज अ रेलिवेंट फैक्ट. ठीक, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ऑलवेज रेलिवेंट. And therefore, we want to call A. The court will allow, the evidence is admissible. The court will allow because the evidence is admissible. Now, A will be subjected to chief, cross, and re, and if needed, the court's questions under 165. Then the court will see whether the testimony of A about the confession is reliable or not. तो विटनेस का डिमीनर, विटनेस के आंसर जो उसने दिए हैं, वो सब देखकर कोर्ट को अपना जुडिशियल माइंड लगाना पड़ेगा कि मेरी नज़र में ये विटनेस का एविडेंस, ये फैक्ट प्रूव हुआ है कि नहीं. इज दैट फाइन? अब कोर्ट यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन है. कई बार इसमें कोर्ट से लोअर कोर्ट्स में गलतियाँ हो जाती हैं.
एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल, दैट इज नॉट डिलिबरेट. तो अगर इसमें गलतियां हो गई, कई बार आप देखोगे कि ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, अपलेट कोर्ट ने उन्हीं एविडेंसेस पर कुछ चीजों को नॉट प्रूव्ड मानते हुए अक्विटल दे दिया. जैसे अभी बर्निंग एग्जाम्पल इज अरुषि केस, अरुषि तलवार वाला केस में निचले कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था. उन्हीं एविडेंसेस का इंटरप्रिटेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिफरेंटली किया. दे अप्लाइड देयर ओन जुडिशियल माइंड एंड दे फाउंड सर्टेन फैक्ट्स नॉट टू बी सफिशियंटली प्रूव्ड एंड दे गेव देम एन अक्विटल. नाउ आई थिंक द मैटर इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट. हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट डिस्कसिंग द केस राइट नाउ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम एविडेंसेस फाइंड्स दोज फैक्ट्स विच द हाई कोर्ट हैज said not to be proved, not to have been proved. Maybe the Supreme Court finds those facts to have been proved sufficiently and may convict. Or maybe it agrees with the High Court's opinion and it upholds the acquittal. So like that case is to be discussed separately. So वहाँ पे your judicial mind applies. ठीक. So whether you find, you believe that fact to be proved or not. आया समझ में? That is reliability of that evidence. Whether the court will rely upon that evidence to come to the conclusion that the said fact has been proved or not. तो पहला कि पिस्टल उसके पोजिशन में मिला, ये फैक्ट प्रूव हुआ कि नहीं, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ दैट एविडेंस. कन्फेशन उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किया था कि नहीं, ये फैक्ट उस एविडेंस से, विटनेस के, विटनेस ए के टेस्टिमनी से प्रूव हुआ कि नहीं, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. एडमिसिबिलिटी वॉज that this evidence of the witness A is required because through him I want to prove a what relevant fact. Then again you have got the third fact. Fact is the dying declaration made to the executive magistrate B. So for that, number one, the document of dying declaration shall be proved. Then if needed, that executive magistrate who had recorded the evidence will be required. Then if needed, and normally they do this, the doctor who had given the certificate that the victim is in a fit state of orientation and disposition, the doctor can also be called. If there was any other witness present on the spot at the time of recording, any other junior doctor, etc., he also can be called. Now they are all coming for what? To give evidence on the dying declaration, and dying declaration everyone knows is relevant under section 32 clause 1. ठीक. So 32 clause 1 में dying declaration relevant है, और ये सारे witnesses और document उस relevant fact को prove करने के लिए दे रहे हैं, तो evidences are admissible. Now comes the question whether the evidences are reliable or not. अब एक तो recorded dying declaration है, उसमें signature भी है victim का, ठीक, question answer form में recorded है, टाइम भी सही मेंशनड है, मरने के मान लो आधे घंटे पहले रिकॉर्ड हुआ था, टाइम भी करेक्टली मेंशनड है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है कि ही वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड डिस्पोजिशन. उस सर्टिफिकेट को कॉरोबोरेट करने के लिए आपने डॉक्टर को भी बुला लिया, डॉक्टर ने भी आके ओरल एविडेंस दे दिया एंड वॉज सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो. देन यू हैव गॉट अनदर विटनेस हु वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, ही ऑल्सो गिव्स द टेस्टिमनी and his statement is the same as is recorded in the dying declaration. So these are the evidences to prove the dying declaration, and the court's judicial mind has to apply whether to decide whether the dying declaration has been sufficiently proved or not. Isko aap bolenge reliability of evidence. Whether these evidences, the testimony of the executive magistrate, the document of dying declaration, the signature of the victim. I'm not saying कि हर dying declaration इतना detail में record होता है, लेकिन मेरे वाले में था. अब शुरू में ही पढ़ रहे हैं तो अब ज़्यादा complicate तो अभी कर नहीं सकता ना facts को. तो क्या ये reliable है इस बात के लिए कि that dying declaration was proved, that dying declaration was sufficiently proved. That is called reliability of those evidences. ठीक. So you understood admissibility and reliability. Then pistol and the fingerprints on the pistol. Pistol was discovered from him. That is already proved.
the forensic, the fingerprint expert will tell you, will there will be a report that the fingerprints found on the pistol are that of the victim only, accused only. तो accused का fingerprint sample लिया जाएगा, pistol पे जो fingerprint पाया गया, दोनों को match किया जाएगा, the fingerprint expert will tell, write a report, and that report will be presented as a piece of evidence. So that is a documentary evidence. If the court requires, the court can call the expert who has prepared the document for corroboration, oral evidence. Normally they do not. अगर fingerprint expert ने दे दिया है report, तो नॉर्मली उसको अलग से ओरल एविडेंस के लिए नहीं बुलाते हैं, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो किसी को भी बुला सकता है. तो ये हो गया एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, किस फैक्ट के लिए तुम एविडेंस ये रिपोर्ट लगाना चाहते हो. तो मैं रिपोर्ट लगाना चाहता हूँ पिस्टल पे फिंगरप्रिंट प्रूव करने के लिए, ठीक. उसके बाद तो ये एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस हो गया, रिपोर्ट सफिशियंटली स्टैम्प्ड एंड साइंड है तो the evidence is reliable also, so the fingerprint is sufficiently proved. Then bullet shot was from the same pistol, ballistic expert ka report aayega. So whether that report should be allowed or not, the answer is yes, because that is on a relevant fact. Pistol being, bullet being shot from the same pistol, that is a relevant fact, and therefore it is the evidence, the document of ballistic expert is admissible. तो ये हो गया एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. फिर वो रिपोर्ट रिलायबल है कि नहीं टू प्रूव दैट द बुलेट वॉज शॉट फ्रॉम द सेम पिस्टल. सो इफ द रिपोर्ट इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, सो दैट विल नॉर्मली बी रिलायबल, ठीक है. सो ये भी प्रूव हो गया. तो दिस फैक्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड कोर्ट के डिस्क्रिशन में, द रिपोर्ट हैज सफिशियंटली प्रूव्ड द फैक्ट दैट द बुलेट वॉज शॉट फ्रॉम द सेम पिस्टल. अब बच गया ये दो फैक्ट्स जो कि अक्यूज ने अपने फेवर में क्रिएट किया है. देर इज एन एफ आई आर ऑफ द पिस्टल बी हैविंग बीन स्टोलन. तो इसको प्रूव करने के लिए कौन सा एविडेंस दोगे? कॉपी ऑफ द एफ आई आर. कॉपी ऑफ द एफ आई आर विल बिकम अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव दैट आई हैड ऑलरेडी लॉस्ड एन एफ आई आर एंड द पिस्टल वॉज लॉस्ट, दैट इज रिकॉर्डेड इन द एफ आई आर, एंड दैट एफ आई आर वॉज लॉस्ड बिफोर द इंसिडेंट, ठीक. तो एफ आई आर की रिपोर्ट लगा दीजिए. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, इसके बेसिस पे अक्यूज का एक्विटल भी हो सकता है. इस केस में नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा तो पिस्टल चोरी हो गया, इस तरह के फैक्ट्स जो होते हैं ना वो अक्यूज को थोड़ा सा बचाव दे देते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये झूठा भी तो हो सकता है. तो वेल कम टू दैट. तो ये हो गया, इट विल बी प्रूव्ड बाय द कॉपी ऑफ द एफ आई आर, एंड द एफ आई आर हैज बीन फॉर्मली लॉज्ड इन द पुलिस स्टेशन. सो ऑब्वियसली दैट इज रिलायबल, दैट द उसके लिए आप रिकॉर्डिंग ऑफिसर को बुलाने की जरूरत नहीं होती, द डॉक्यूमेंट इज सफिशियंट, ठीक है. उसके बाद लेकिन आप पुलिस ऑफिसर को बुला भी सकते हो कोर्ट में कि भाई ये एफ आई आर तुमने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, कितने बजे लॉन्च किया था एटसेट्रा, इसने खुद लॉन्च करवाया था कि नहीं, वो सब आप पूछ सकते हो बुला के. फिर एक्स वॉज इन अ सिनेमा हॉल, कैसे प्रूव करोगे भाई? एविडेंस क्या होगा उसका? सीसीटीवी फुटेज दिखा दो. सिनेमा का सबसे पहले तो ये सिनेमा का टिकट दिखाएगा, नहीं मान लो वहाँ लाइन में खड़े होकर परचेज किया था, अगर ऑनलाइन टिकट परचेज किया था तो उसका रिसीट होगा, टिकट जो है उसके पास वो होगा, उसके पास उस सिनेमा हॉल का सीसीटीवी फुटेज होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि ये उस दिन गया था. लेकिन याद रखिएगा कि ये ट्रायल होता है बहुत दिनों बाद, कुछ महीने या सालों बाद, ठीक. पहले तो इन्वेस्टिगेशन चलता है, अब इट डिपेंड्स कि आपने सिनेमा हॉल का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया था कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिफेंस. प्रोसिक्यूशन का अगर होता तो प्रोसिक्यूशन तो कर लेंगे, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ डिफेंस. तो डिफेंस को एक्सेस नहीं होगा सिनेमा हॉल में कि भाई मुझे तुम सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे दो, नॉर्मली वो देंगे नहीं उसको. तो मे बी सीसीटीवी फुटेज इज नॉट अवेलेबल, इज इट फाइन. तो ओरल टेस्टिमनी ऑफ पीपल, ठीक, ओरल टेस्टिमनी ऑफ मे बी हिज वाइफ और चिल्ड्रन जिनके साथ वो बैठा था, और फ्रेंड्स एटसेट्रा, वो याद रखिएगा क्या? ये कह रहे हैं जो टॉर्च लेके बिठाते हैं आपको सीट पे, उसका एविडेंस, मतलब यू कैन हैव, आई एम नॉट डिनाइंग दैट,
लेकिन दैट विल नॉट बी एज रिलायबल, क्योंकि अभी एक साल बाद ट्रायल हो रहा है, वो अंधेरे में थोड़ी आपका चेहरा टॉर्च मार के देखता है. फिर भी योर पॉइंट इज करेक्ट कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हुई हो उस दिन, आपका उस दिन उससे झगड़ा हुआ, मारपीट हुई हो और लाइट जला दिया गया था सिनेमा हॉल को, आमने सामने देख के मारपीट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से शायद उसको याद हो. इज दैट फाइन? सो दोज विल बी द एविडेंसेज टू प्रूव दैट इट वॉज, दोज एविडेंसेज विल बी यूज टू प्रूव दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी. इज दैट फाइन? अब देखिए, तो दिस इज अगेन, दीज एविडेंसेज मे बी रिलायबल टू प्रूव दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी. सो दीज आर ऑल रिलायबिलिटी ऑफ evidences, whether the fact has been proved by virtue or by the help of those oral and documentary evidences or not. Now suppose all these facts have been proved, yes, all seven facts have been proved, and the fact in issue is what? Whether X killed Y by shooting. Now comes the question, the reliability of facts. Are these seven facts, rather, are these five facts, fact number 1, 2, 3, 4, 5, are these five facts sufficient enough to prove the fact that X killed Y? Particularly in light of those two facts, fact number 6 and 7, which are going in support of the accused. Aaya samajh mein? Ki kya ye panch facts, pehla sawal to hai ki kya ye panch facts duly prove ho gaye hain? Proviso 1 to section 165, judgment shall be based upon relevant facts duly proved. तो क्या ये पांच facts duly prove हो गए हैं? तो obviously आपने evidence की reliability देखी है और आप court का inference है कि हाँ सारे prove हो गए हैं. क्या वो defense वाले दो facts duly prove हो गए हैं? वहां भी the evidences are sufficient, so it has been duly proved. Now the court has to apply its judicial mind upon those five facts. पहले आप उन पांच फैक्ट्स पे जुडिशियल माइंड लगाओ, बाकी के दो को छोड़ दो, डिफेंस वाले दो फैक्ट छोड़ दीजिए आप. देयर इज अ कन्फेशन विच हैज बीन ड्यूली एस्टैब्लिश्ड, विच इज एन ओरल कन्फेशन, अ डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्मली रिकॉर्डेड, दैट इज अ वेरी स्ट्रांग पीस ऑफ एविडेंस. एंड अ डाइंग डिक्लेरेशन इफ इट इज वेरी फॉर्मली रिकॉर्डेड, इट कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन. सो देयर इज अ स्ट्रांग डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक, in which it is stated that X had shot upon me, and that dying declaration is corroborated by the fact that Y died because of the bullet shot, and that the bullet was shot from the pistol which was found in possession of X. Fine? So the dying declaration is duly proved and a very strong piece of evidence that is further corroborated by the extrajudicial confession and the confessional statement of the accused, and the dying declaration of the victim are in matching with each other. मतलब दोनों का जो statement है वो एक दूसरे को corroborate कर रहा है. Pistol किसके पास मिला? Pistol उसी के पास recover हुआ, वो भी prove हो गया clearly. उसी pistol से गोली चली थी, ये भी prove हो गया. और pistol पे fingerprints भी हैं, ये भी prove हो गया. तो ये पांच facts sufficient हैं. अब यहाँ पे reliability of the facts आएगा. Whether these five facts are reliable enough to convict the accused, or to establish the fact, or to establish the fact that the accused has committed the, or accused has killed the victim. ठीक? Intention वगैरह भी हम अलग से check करेंगे. That is a separate thing. But right now I am talking about only one fact, that is killing of Y by X. Then the intention etc. will be examined. उसके लिए देखोगे कि बॉडी के किस पार्ट पे मारा है, कितनी दूरी से मारा है, all those facts will be seen. Now you have got two facts of the defense also. अब ये पांच जो facts हैं prosecution वाले, वो बिल्कुल crystal clear prove कर रहे हैं that the accused has actually killed the victim. But these two facts stand against that fact. These two facts stands against that conclusion, conclusion that X has killed Y. And what are those facts? That there is an FIR, that the pistol has been lost. अब कोर्ट को अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि जो सबूत हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि इसी ने मारा है. Dying declaration and all those facts that you have just seen, confession, then the recovery of the pistol from the possession of the accused. Plus the fingerprint, ठीक,
plus the ballistic report that the bullet was shot from the same pistol. So that is clearly establishing. Ab you are saying that your pistol had been lost, but pistol has been discovered from you only. तो वहीं पे तो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस बिकम्स मोर वेरी इंपॉर्टेंट. नो, अब ऐसा ना हो कि कोर्ट ने गलत ढंग से उस पिस्टल की डिस्कवरी जो उसके पास हुई है उसको प्रूव्ड मान लिया. हो सकता है वो एविडेंस बहुत वीक एविडेंस था, हो सकता है पुलिस ने जानबूझकर उसके पास पिस्टल का रिकवरी शो किया है. तो कोर्ट को वहाँ पे एविडेंसेस जो दिए जाते हैं फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, वहाँ पे कोर्ट को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, सो दैट कोई एविडेंस कोई फैक्ट ऐसा ना हो जो गलत प्रूव हो जाए. ठीक, तो यू कैन नॉट टेक अ फैक्ट टू बी लाइटली प्रूव्ड. तो अगर कोर्ट ने हर चीज़ सोच समझ कर ये पांच फैक्ट प्रूव्ड माना है, तो ऑब्वियसली द फैक्ट्स आर सफिशियंट इनफ टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स फॉर कन्विक्शन और या फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट फैक्ट इन इश्यू. देन तुमने FIR लिखवाया था, तो FIR तो झूठा भी हो सकता है. क्या प्रूफ है कि जो आप FIR लिखवा रहे हैं वो सच ही है? आपने जाके कहा कि मेरी पिस्टल चोरी हो गया है, पुलिस ने लिख लिया, पुलिस ने लिख लिया, तो उसने उतने मात्र से ये प्रूव तो नहीं हो जाता ना कि तुम्हारा पिस्टल चोरी हुआ है. तो FIR तो कोई झूठा भी लिखवा सकता है. तो देयरफॉर इन लाइट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड, this fact has to be given up, this is not reliable to disbelieve the fact in issue. And the last one is, X was in a cinema hall, so I was in a cinema hall, you can prove by false evidences also, anyone can buy a ticket of the cinema hall, may also go inside the cinema hall, may also sit inside the cinema hall, may also create a ruckus there so that people identify him. ठीक, मे फाइट विद द टॉर्च मैन सो दैट ही रिकग्नाइजेज हिम एंड मे इन बिटवीन स्लिप आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, कमिट द क्राइम एंड गो बैक एंड सिट इन द सिनेमा हॉल. सम पर्सन हु इज अ गार्ड एटसेट्रा इन द सिनेमा हॉल, ही मे अलाउ हिम टू गो आउट एंड कम बैक. अब आपका जो फैक्ट है कि आप ही ने मारा था, वो बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स एस्टैब्लिश्ड, और या फिर आपको वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मर्डर के घूम लो बाहर कहीं पे, अंदर थे ये प्रूव हो गया, बाहर कब आए चुपके से निकल गए किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर मर्डर किया अपना घूम रहे हो. तो ये फैक्ट्स, ये जो फैक्ट है ये झूठा भी हो सकता है, ये फैक्ट भी झूठा हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, डाइंग डिक्लेरेशन कोराबोरेटेड बाय कन्फेशन कोराबोरेटेड बाय द फैक्ट दैट द पिस्टल हैज द फिंगर प्रिंट्स एंड द पिस्टल वॉज फाउंड इन हीज पोजिशन वेन ही वॉज अरेस्टेड एंड द बुलेट वॉज शॉट फ्रॉम द सेम पिस्टल, ऑल दीज फाइव फैक्ट्स टूगेदर फॉर्म द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज विच इज अनब्रेकेबल एंड ओनली वन इन्फरेंस इज कमिंग आउट एंड दैट इज दैट ही हैज किल्ड. No second inference is possible. That is the rule of circumstantial evidence. कि अगर सारे circumstantial evidences से एक ही inference possible आ रहा है, तो means you have to trust it. जबकि the other two facts in support of the accused are such which are suggesting that they may be false. They may be false. जबकि यहाँ पे they are not at all false. And hence the facts which the court will rely upon is those five facts against the accused and the other two facts which he has tried to prove and which he has proved in his own favor are not reliable, and hence what will happen, the fact in issue that the accused had killed the victim is proved beyond doubts. Theek, ab next fact in issue hoga whether he had the intention to cause the death. Ab wo aap check kar lijiyega, uske liye bhi aise hi dekhna hoga, उसके लिए इतने सारे फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए आप, बॉडी के किस पार्ट पे गोली लगी, क्या इसने एम करके मारा, वो सारे फैक्ट्स चेक करोगे आपको इंटेंशन पता चल जाएगा. ठीक, इंटेंशन नहीं भी हो तो सफिशियंट इन ऑन ए कॉज ऑफ नेचर टू काउज डेथ, ये प्रूव हो जाए तब भी मर्डर हो सकता है. इज दैट फाइन? दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट थिंग्स अंडर द एविडेंस एक्ट. क्या इंजॉयड और नॉट? दिस इज द लेवल ग्रेजुअली which you have to achieve. अभी तो सिर्फ एक केस बहुत सिंपल बताया था,
इसमें तो सारे फैक्ट्स बिल्कुल अक्यूज के खिलाफ बना दिए मैंने. बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें कि मतलब मिक्स मिडवे होगा, वहाँ पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर 2 मिनट्स. सो जस्ट अ कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन दिस डिस्कशन. द कंक्लूडिंग रिमार्क इज दैट दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई हैड क्रिएटेड फॉर यू टू एक्सप्लेन टू यू वॉट इज मेंट बाई रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड वॉट इज मेंट बाई रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स. And at both the places you must have observed that Evidence Act is not giving you any explicit guidelines as to when and in what circumstances the court will rely upon those evidences to infer that the fact has been proved, and when and in what circumstances the court will rely upon the proved facts to infer that the particular fact in issue has been proved. For that you have got the guidelines laid down by the Honorable Supreme Court and the Honorable High Court concerned as to how to go about the circumstantial evidences. And that is where the judge's judicial mind works. And that is where I always keep telling you that knowing the provision alone is not sufficient. You have to create a judicial mind which will help you in inferring whether the fact has been sufficiently proved, duly proved, and whether the facts are sufficient to prove that fact in issue or not. And therefore, I have been suggesting that you please read as many judgments as you can, so that you are able to somehow acquire the judicial thought process. ठीक, is that fine? इसी केस में देखोगे तो जितने भी ये एविडेंसेस थे उन सब के लिए जितने भी ये फैक्ट्स थे, वट एवर वर द फैक्ट्स, उन सब के लिए तरह तरह के एविडेंसेस आए. तो वो एविडेंसेस उस फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए प्रोविजंस ये हैं कि आप उस फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो. आप विटनेसेस समन कर सकते हो, आप एक 165 एविडेंस एक्ट में सवाल पूछ सकते हो. अगर क्रिमिनल मैटर है 311 में आप फर्दर विटनेसेस समन कर सकते हो, किसी विटनेस को रिकॉल कर सकते हो. द पार्टीज एडवर्स पार्टी कैन गो फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, कैन गो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन 145, क्रॉस एग्जामिनेशन इज 146 टिल 153. यू कैन द एडवर्स पार्टी कैन द डिफेंस कैन गो फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ दीज विटनेसेस अंडर 155. द विटनेस कैन गो फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी if there is a previously written document. The corroboration of the circumstances can be done on the basis of these evidences, or the circumstances can go for corroborating these evidences under 156. The statement of the witness can be corroborated by his earlier statement somewhere made, that is under 157. So all those things together are the explicit provisions as to what all things can be done in order to understand whether the evidence is reliable or not. But ultimately, when you have to make up your mind as to whether the evidence is reliable or not, that comes out from the judicial mind of the court. And once these facts have been duly proved, now comes the question whether the facts are all together reliable enough to deem that fact in issue to be duly proved, or whether the defense evidences, facts which have been proved by the defense, they are reliable enough to take the court the other way, that this fact is not duly proved. So this is again where the court has to apply its judicial mind to see whether the facts which are duly proved, first of all, whether the fact has been duly proved, there the judicial mind applies, and whether the facts which have been duly proved are sufficient to establish the particular fact in issue, there also the judicial mind applies. Now it is in the civil cases as well as in the criminal cases. Is that fine? So this is broadly about reliability and admissibility of admissibility to pehle bol diya aapko, reliability of evidence and reliability of fact. Is that fine? So this is one topic that we will be discussing in details, and this you will understand only with
ओनली इफ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलरली द प्रोविजंस रिलेटेड टू विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड देन हाउ टू एग्जामिन द विटनेसेस एंड ऑल प्लस इफ यू हैव रेड अ लॉट ऑफ जजमेंट्स यू विल बी एबल टू डेवलप दैट जुडिशियल माइंड ठीक है.